नमस्कार दर्शक दर्शकबिंद आज हमनी के मुलाकात भा बीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष सुबोध गुप्ता जी से अब बीरगंज के एगो यंग एंटरप्रेनरबा हैंडसम डैसिंग देखते बानी अपने आ बड़ा स्पष्ट वक्ता बानी को भी भाषण के मंच अगर मिल जाला तो यहाँ के हिला के रख दे अभी समस्या बा बैंक के व्यवसाय के उद्योगी के यहाँ लगन आंदोलन भी स्टार्ट करनी अभी आंदोलन स्थगन बा का भय कि आंदोलन स्थगित करे के पड़ है इा यावत विषय पर हमने के बातचीत हुई यहाँ के मनार्थ पीएचडी डिग्री भी हासिल करी उसे यहाँ के डॉक्टर सुबोध कुमार गुप्ता कह के लिखल जला डॉक्टर सुबोध जी अपने के स्वागत आ, बहुत बहुत धन्यवाद राधे श्याम जी रऊ के और घंटाघर घर टी के भी हम धन्यवाद देवे के चाहे रुवा लोगन के गतिविधि हर एक क्षेत्र में रउआा लोगन जो हिसाब से काम कर रहा बान वस्तु स्थिति बा जो रुवा लोगन बाहर लेके आवे नी ला बहुत बहुत धन्यवाद देने के चाहे बीरगंज के उद्योग व्यवसाय कौन स्टेज में बा अभी एकदम फुल्ली डेडली हो गई अधमरा टाइप के बा के ऑक्सीजन दे के बचा सक आई सी यू में पहुँचल बागगंज या पूरा दुनिया के अर्थव्यवस्था के बात कल जाओ या हमनी के पूरा नेपाल के अर्थव्यवस्था के बात कर जाओ अर्थव्यवस्था पूरा विश्व के हमनी के देश के हमनी के जिला के अभी चरमरा बा साफ स्थिति बहुत नाजुक कहे के पड़ी और बहुत ही खराब अवस्था से निजी क्षेत्र और अर्थव्यवस्था अभी गुजर रहा तो एकरा एक के केहू के नाम ला से भी जो के कोविड के विभिन्न हनिके के यहाँ प्रकोप रहे और प्रकोप में हमने के बहुत तरह के क्षति के बहुत लोग अपन आपन लोग में हमने के गैनी सन बाद बहुत तरह के उद्योग लोग या व्यापारी लोग अपन उत्पादन के कम कैलक अपन व्यापार के कम कैलक बाद जो अर्थव्यवस्था भेल भैया के लगातार न्यूज में सुनता नहीं सन कि विश्व के बहुत असन देश जैसे कि श्रीलंका वगैरह की स्थिति बहुत खराब हो गए और बहुत असनि देश की स्थिति खराब होए वाला बा जैमें भारत के नाम नेपाल के नाम बांग्लादेश के नाम आ, पाकिस्तान के नाम बड़ा ऊपर रहे इंडिया के भी स्थिति बहुत अच्छा नहीं करके बारम्बार चर्चा के विषय रहे अभी के फिलहाल करेंट सब में उद्योगी व्यवसायी लोग के एकदम अँगुड़ी पर गने वाला चार पाँच गो समस्या कथी कथी बा कौन कौन अभी एकदम जटिल समस्या एकदम अभी के तत्काल अभी देखिए अभी सबसे बड़ा समस्या निजी क्षेत्र के जो हमने के अपना देश के जो हम आबे वाला ही रहिए एक जोड़ देता नहीं हम बतावे जा रहा बानी अभी हमने के नेपाल के हमने के जो अपन जो समस्या सबसे ऊपर जो समस्या अपने के मौद्रिक नीति जो नेपाल सरकार एक साल पहले लेके और वो मौद्रिक नीति के भीतर जितना भी नियम और कानून जो की लागू अपने के कार्तिक एक गति से कर देवल गए वो नीति लागू ला देश में बहुत तरह के परिवर्तन वो परिवर्तन की अपने के आयात में कही कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगावे के काम भ कही कहीं ना कहीं मार्जिन वगैरह एल में बहुत बड़ा मार्जिन रखे के काम भेल बाद अपने की याद भई डेढ़ साल पहले जो इंटरेस्ट रेट हमें के करीब सात आठ परसेंट रहे बढ़ के करीब पंद्रह सोलह क क्लास में हो गई रहे बैंक में कि ख ग और सहकारी के बात करें तो बीस बाईस तक भी इंटरेस्ट आज भी बा बचत में अपने के बारह तेरह चौदह परसेंट में अपने के लोग पैसा लेवे ला तैयार बैंकर साथी लोग अब स्थिति जो परिवर्तन भेल बाद अपने कोई भी बैंक में कोई भी लोन वो किसान के कृषि लोन हो होके ए कोई व्यक्ति के घर बनाए वाला घर लोन हो के या वह गाड़ी किने जाते हैं तो गाड़ी लोन हो के या उद्योग या व्यवसाय करते हैं व्यवसाय लोन हो के कोई भी लोन के अपने के फाइल अप्रूवल अभी कोई के स्थिति नहीं है बैंक लोग का बा के हमनी लंग कोई भी अब पैसा नहीं है और लिक्विडिटी क्रंच कह रहा तरलता के अभाव बा पैसा नहीं है पैसा नहीं है ब्याज बहुत ऊँचा बा एकरा बाद एक व्यक्ति लोग या जो संस्था या जो उद्योग व्यापार अपने के ऋण ले वालों वो ऋण भी जोन जो फॉर्मूला वगैरह जो नीति अपने के मौद्रिक नीति चालू पूंजी कर्जा नीति जो अभी देश में आयिल और जो लागू एक, एक कार्तिक एक गति से बा, बहुत लोग ऋण जो अवस्था हो जाएगा अपने कितना परसेंट पर अपने के मिल ले लगा। तो ठीक रला सबसे ज्यादा हाईएस्ट कौन बैंक अपने के मतलब इंटरेस्ट ले रहा देखिए कोई बैंक के ऊपर आरोप लगाये से भी नियम अपने के हम थोड़ा सा विशेष क्या बात कहा कहे के चाहे कि कोई भी बैंक जो अपन ऋण तय करेला तो ओकर बेस रेट होला बेस रेट के मतलब का होला हर एक बैंक के बेस रेट अलग होला हो बेस रेट के मतलब होला कि संपूर्ण उनकर खर्च और खर्च के साथ साथ में एकदम नोमिनल एगो मुनाफा हमें जोड़ल गई रहला वो के कल जला बेस रेट और बेस रेट में हर एक बैंक प्रीमियम जोड़ेला लोग जो कहा जा डेढ़ परसेंट प्रीमियम दो परसेंट तीन परसेंट चार परसेंट अपना अपना हिसाब से प्रीमियम जोड़े ला लोग स्वतंत्र बा ये में कहीं कहीं ना राष्ट्र बैंक के बंदिश करे के चाहे कि प्रीमियम इतने होके के पड़ल करके तो हमने के बारंबार कहा सन कि कोई भी बैंक के बेस रेट का बा वो उन आंतरिक स्थिति आंतरिक समस्या है हर आंतरिक लागत है लेकिन वो लोग जो प्रीमियम ले रहा बा बा प्रीमियम अपने के बीस परसेंट से ज़्यादा ना होके के पड़ जैसे कि अपने के दस रुप, दस रुपया जो बेस रेट बा दस पैसा दस रुपया तो अपने के बीस पैसा करला से दो रुपया तक अपने टू परसेंट प्रीमियम ले सकाता नहीं अपने के बेस रेट आठ परसेंट बाठ दुना सो रहा वन पॉइंट सिक्स लेकिन अभी क्या होता नेपाल सरकार के नेपाली कानून एन के कार नियम बा अपने के कि जितना अपने के लागत कॉस्ट बा उसे बीस परसेंट तक अपने मुनाफा ले सका ना तो अपने कालो बाजारी एन के अंतर्गत दिक्कत ट भी प्रीमियम बा चालीस परसेंट भी प्रीमियम बा पचास परसेंट भी प्रीमियम बान बेस रेट बा केहू के सात परसेंट बेस्ट रेट बाई के आठ परसेंट बेस्ट रेट बाही लोग प्रीमियम में तीन परसेंट चार परसेंट पांच परसेंट के प्रीमियम बा तो कहीं ना कहीं नेपाल सरकार रोके की स्थिति हो सकता एक और नेपाल के हमने के अपन कानून बा कि घर में भी केहू के पैसा रुवा देम तो तरुआ पैसा कितनों परसेंट में दी लेकिन और जो कागज बेला कपालितम से वो दस पर्सेंट में बनेला यानी कि नियम बाकी कोई भी रौआ लेन देन दस पर्सेंट से ऊपर में नहीं की कर सकत अध्यक्ष जी अपने के जब ऐसा ऐसा समस्या जब शुरू हो पूर्व व्यवसायी लोग सबसे शुरू में सक्रियता देखने लगन रोड ततई नहीं लगन लगन तक लेट ना हो गए अमे में सबसे पहले का कहम कि दो तीन तरह के आंदोलन होला जब देश में मौद्रिक नीति आयिल तो मौद्रिक नीति के सबसे पहले ओकरा बारे में विश्लेषण आ विश्लेषण में भी काठमांडू में जाके वहां के वहाँ के सी लोग के साथ में बैठ के छलफल आ छलफल कैल के, के बाद में राष्ट्र बैंक के पूरा टीम के साथ में गवर्नर साहब महाप्रसाद अधिकारी जी की पूरा टीम के साथ में और बीरगंज उद्योगवानी सिंह के पूरा पदाधिकारी के टीम के साथ में करीब एक घंटा से लेकर दू घंटा तक हमने के दोहरी बहस भेल और वहाँ के गवर्नर साहब के कहा कहने कि रऊआ ई मौद्रिक नीति नीतिक यथास्थिति में अगर लागू कर देतानी तो जो समस्या अभी हमने के भोग बानी सन समस्या वहाँ के सीशा के तरह हमनी के झलकावे के प्रयास सन उतने ना बाद छाब के उद्योग वाणिज्य महासंघ के अध्यक्ष शेखर गोलछा जी से बात सन कि स्थिति बहुत खराब है तो वहाँ के भी कानी पूरा टीम लेकर बैठनी वरिष्ठ उपाध्यक्ष से लेकर लोग बैठल लोग बैठनी सन वहाँ भी पूरा के क्लियर एक ऊपर डिस्कशन डिस्कशन भाके के बाद हमने की प्रेस मीट कहने सन काठमांडू में और प्रेस मीट में रुआ आज भी उेस रिलीज हालाँ बा जब रुआ देखेम तो जितना भी इशू सब उठल बाबा हनिक प्रो एक्टिव होकर काम कर गवर्नर साहब के, के बात हम रुआ के बोल रहा बानी साढ़े तीन महीना चार महीना के हमने लंग संचित बा बहुत लिक्विडिटी के क्रंच बा लोग अनावश्यक चीज के आयात कर रहा बा तो हमने के मार्जिन भी लगावे दी और इस सारा नीति के ले आवे दी इससे फ़ायदा का हुई कि बहुत बड़ा पैसा आज भी रुआ जान के आश्चर्य हुई राधेश श्याम जी की देश में जितना भी पैसा ऋण के रूप में प्रवाह हुआ बात सत्तर से अस्सी परसेंट बहुत कम लोग के हाथ में बा वो पैसा करीब सह लोगों के हाथ में बा या एक सौ पच्चीस लोगों के हाथ में बा बाकी तीस परसेंट पैसा ही स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज इंडस्ट्रीज के पास बा तो नंबर में स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज लोग ज्यादा बा लेकिन लोन ऋणी के रूप में उसे सह आदमी लोग कि अब बात में आंदोलन बे एक्स गते अपने लगन के पुस एक्ैस गते विशाल विरोध सभा भी बीचे में अपने लगन नया सरकार आग सत्तामा नयाँ अर्थमन्त्री अईनीके सकात्मक सन्देश अहिले बा कि के वार्ता के के लगन के समस्या समाधान गरल अपने लगन आंदोलन अभी स्थगन हो बगन लाग के गभर्नर साहब ना सुनि के चित तकले ना पसिज रोते र गनी जितना भी समस्या गनी अब लागत है कि वहाँ नया अर्थमंत्री के कुर्सी पर चेंज हुई के चलते कुछ वहाँ के होके वाला बा चाहे बात कुछ भलाई हो एकदम हमनी हमिके बाद इंतजार सन बहुत बात भैया के बाद में वेट सन कि ये वेट जोन बाछ होगा बात भी ना बल व सही कानी मोरंग के साथी लोग आंदोलन में भेल नेपालगंज भी आंदोलन में आई लोग भैरवा भा, भी आंदोलन में आई लोग हर जगह 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 भी कहला से हम का कहम ये पूरा देश के करीब सय से ज्यादा जिला उद्योग वाणी संघ पूरा देश में सौ से ज्यादा अपने के वस्तुगत उद्योग वाणी संघ करीब पाँच हज़ार एसोसिएट मेंबर लोग आंदोलित भेल बाद वीरगंज उद्योग वाणी संघ के निर्णायक आंदोलन के घोषणा भेल और भर लोगन के सामने हमने के चार दिन आंदोलन कैने सन और चार दिन के आंदोलन के बाद में इक्स गते पूरा जन समुदाय एक बहुत बड़ा जन समुदाय उतारे के बाद भई रहे लाख पचासों हजार लाखों आदमी के उतारे के बाद भई रहे तैयारी भी हमने के चल रहे एक बारे में पूरा मीडिया के मार्फत प्रचार प्रसार भी चलत रहे बीच में हमनी के हे गठित सरकार के अर्थमंत्री जी के बोलैनी और के बाद बुल के गई स्वाभाविक रहे रहें तो के मोरंग उद्योग वाणिज्य संघ बीरगंज वाणिज्य संघ भैरवा नेपालगंज या काठमांडू जिला उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष लोग से हमनी के भेंट वार्ता भेंटवार्ता में सबसे अच्छा बात का रहा है कि वहाँ के हनिके एक से डेढ़ घंटा तक हमनी के सारा लोग के बात सुननी सारा अध्यक्ष लोग के बात सुननी कि रुआ के का मांग बा आ का ऐसे समस्या हो सकता वो बीच में हमने की संपूर्ण बात सब रखे के प्रयास कर सारा अध्यक्ष लोग जो अपने के दोहरों अंक में जो ब्याज दरबा वो हनिके केहू नीचे हारे पड़ी क्या कि विश्व में हर जगह एकल अंक में ब्याज दरबा आ दोहरों दर में ब्याज दर लेके कोई भी आदमी पैसा के यूटिलाइज नहीं के कर सकत कोई भी संघ संस्था या कोई भी किसान या कोई भी घर या कोई भी गाड़ी नहीं के खरीद बिक्री हो सकत मतलब कि ब्याज अपने के नौ प्रतिशत से कम हो गए जी 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 एकदम एकल दर में हो एकल अंक में होगे के पल सिंगल इन डिजिट इंटरेस्टेड होकर और कोई भी फाइल जब बाजार में से बैंक में जाए वो फाइल एगो किसान के भी हो सकता था एगो वाणिज्य के उद्योग के हो सका था एगो साधारण व्यक्ति के हो सकता था वो फाइल की अप्रूवल होने के, के स्थिति बने के पड़ यानी कि बैंक एगो आवश्यक व्यक्ति ला ऋण की व्यवस्था करके ही और जगह लगानी तरफ आगे बढ़े के पड़ करके और जो अभी चालू पूंजी कर्जा नीति आए बा आप अव्यवहारिक बा एक लागू करें तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगे के संभावना बा भोजपुरी भाषा में हम नहीं कि चाह सारा गाय लोग एक बार छोड़ दी आ हम कि हम सबके बांध के एक के गोठ में डाल देम तो एक बार में ना बनाई लोग धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे पकड़ पकड़ के मना मन के गाय के नाथ उत लगा के भीतर ला के गोठ में तो सब कोई निमन से रहे